तो ये गाय ने छोटी बच्ची को जन्म दिया है कल, दो तीन दिन पहले। तो क्योंकि देसी गाय तो नहीं आती, ये सब गाय कहते हैं जर्सी गाय, जो हमारे यहाँ की नहीं होती, बाहर की, मतलब के है। गाइस वेलकम टू द माय न्यू व्लॉग, कैम सो, जय श्री कृष्ण, हर महादेव, गुड मॉर्निंग हर। तो आज नए वीडियो में आपका सबका स्वागत है। आज नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलो तो आज नाश्ते में मस्त थेपला, और यहाँ पे हमारे मम्मी थेपला बना रहे हैं, और मस्त गैस पे थेपला बन रहा है, और मेथी के थेपले सुबह सुबह में ही बहुत ही बड़ा मजा आता है नाश्ते में, क्योंकि हरी हरी मेथी यहाँ पे, जो हमारे पीछे की जो खेत में जो मेथी मैंने आपको बताई थी जो यहाँ पे है, तो उसमें जो मस्त ताजी ताजी मेथी उतार के अभी, मतलब सुबह सुबह में इसको अच्छी तरह से धो के फिर इसमें अच्छे थेपला बना दे तो बहुत बड़ा मजा आता है। तो यहाँ पे थेपला बना रहे है, नाना धोना हो गया रेडी, और हम चलते हैं ट्रैक्टर लेके हमारे जो दादी के दीज भाई के घर में, हमारे जेल दादा के यहाँ, उसके थोड़े से घास सारा लाना है, सूखा सारा, मतलब के बाजू के गांव से, तो वहां पे चलते हैं, और कहां से लाना है वो भी देखते हैं। तो पहले तो ट्रैक्टर लेके चलो, ट्रॉली है, पहले तो यहां पे जोड़ाएंगे, फिर यहां से चलते हैं कि क्या और कहां से लाना है। तो हमारे वीडियो में ही बने रहना। हम पहुंच गए यहाँ जहाँ हमें पहुंचना था। तो यहाँ पे मिला तो मूंगफली का जो सारा लाता है वो निकालना है, मूंगफली का भूसा जो सूखा हुआ जो इसमें भरा हुआ है, तो ट्रैक्टर भी है जिसमें, तो यहाँ से निकालना है। तो चलो इसको पहले ले लेते हैं। तो चलो अच्छी तरह से मस्त, हमने जो अपने गेहूँ बाजरा आता है, बाजरे का ऊपर जो बाजरे के दाने होते हैं उसको, उसकी कटाई करके फिर जो बसा हुआ भाग होता है उसको सुखा के, सुखा सारा जो माल को मतलब गाय भैंसों को खाने में यूज़ किया जाता है, या यहाँ पे देखो यहाँ पे रखा हुआ है, हमारे घर पे भी इसी तरह से रखा हुआ था। तो यहाँ पे मस्त अच्छी तरह से रख दिया है, और फिर हमने यहाँ पे देखो इसको अच्छी तरह से बांध भी दिया है। तो चलो अब इसको लेके चलते हैं घर, और हमारे साथ आप वीडियो में ही बने रहना। फोन आयो तो हूँ, मार छोकरा ने फोन करनी पड़े, तमने फोन करू करो, नंबर आपो एना छोकरा ने, एने बात करियो। रास्ते के बीचों बीच में देखो यहाँ पे ऊंट मिल गए हैं, और ये बहुत मतलब कि यहाँ से नहीं, तो बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ पे चराने, जब अपने विस्तार में जो ये लोग के विस्तार में जब खाना नहीं मिलता तो ये यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें ऊंट मिल गए, हम ट्रैक्टर लेके पहुंच गए घर, और ये सारा मतलब के ट्रैक्टर खाली कर रहे हैं और वहां पे रख रहे हैं। यहाँ पे पोपिया लेकिन बहुत ही बड़ा उत्साह है, अब बहुत ही उत्साह तक है, हम कहाँ ले जाए इसको। अरे रे रे रे, इसको यहाँ से चढ़ के भी नहीं पड़ सकते क्योंकि बहुत
कैसे इसको लेके नीचे आए, थोड़ा सा लग गया है यहाँ पे। मोटी माँ बहु उसू से पेड़ भांगी जा है। तो ये गाय ने छोटी बच्ची को जन्म दिया है थोड़ा कल, दो तीन दिन पहले। तो मतलब के देसी गाय तो नहीं आती, ऐसे गाय कहते हैं जर्सी गाय, जो हमारे यहाँ की नहीं होती, बाहर की, मतलब के ये नस्ल बहुत बाहर की होती है, तो वहाँ पे पाई जाती है। और ये गर्मियों के सीजन में नहीं रह पाती, ठंडा वातावरण होता है, तो वहाँ पे अच्छी तरह से वो। और देखो ये छोटी सी बछड़ी उसकी, और इसके सिंग भी नहीं होते, मतलब कि छोटी उम्र में इसके सिंग निकालने पड़ते हैं जो यहाँ होते। तो क्योंकि अगर जो इसके सिंग निकल आएंगे तो फिर वो सिंग कहता है कि भाई थोड़े से धारदार हो गए और थोड़ा लगने की बीक होगी, मतलब कि डर होगा, तो इसलिए इसको निकालना पड़ता है। वक्त हो गया है और सब ले लिया है, और घर पे तो हम आ गए थे थोड़ी देर बाद, तो हमारे मम्मी मस्त ठंडी ठंडी चास ला रहे हैं, और हमारे पापा अभी खेत में से आए थोड़ा सा पानी। आज थोड़ी सी धूप भी ज्यादा है और ठंड तो मतलब के कम ही है, थोड़ी देर रहती है ठंड, क्योंकि ठंडियों का सीजन है, तो पूरा दिन ऐसे ही 24 घंटे। देखो यहाँ पे नया फूल आ गया है, तो यहाँ चलो थोड़ी देर बाद मिलते हैं खा पी के। गुड आफ्टरनून, कैसे हो जैसे कृष्ण, आपके सब ठीक होंगे। तो अभी हाल हम जा रहे हैं खेत में, और खेत में से फिर घास की कटाई करनी है, और साथ में अभी तो पीछे की घास की कटाई करने, क्योंकि कल तो खत्म हो गया था घास, तो अभी थोड़ी सी ठंड भी बढ़ने लगी अभी तक, मतलब कि शाम का वक्त भी होने लगा है, तो ठंडी भी बढ़ने ही लगी कि वैसे भी वो ऑब्वियसली ये तो बढ़ना है, क्योंकि ठंडियों के सीजन में अभी मतलब कि पूरा दिन मैंने जो से दोपहर में कहा कि 24 कलाक ठंडी 24 घंटे ऐसे ही रहती है, तो अभी मतलब कि शाम का वक्त धीरे धीरे होता जाएगा और ठंडी बढ़ती जाएंगी। तो अभी हमारे भूरे माँ पे देखो सो गई है मस्त, तो क्योंकि ठंडियों के सीजन में वो बैठी रहती है बहुत, मतलब कि उसका ड्यूटी शाम को शुरू होती है, शाम से 7 से सुबह 7 बजे तक, फिर ड्यूटी ख़त्म, फिर सो जाना। तो अभी हम चलते हैं घास की कटाई करने, चलो। तो ये रहा घास, और यहाँ आज से यहीं कटाई करनी है, कल थोड़े से की थे हमने कटाई, क्योंकि कल शाम को थोड़ा सा घास पूरा नहीं हुआ था और गाय भैंसों को डालना भी था, तो चलो यहाँ से मस्त पहले कटाई कर लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो हमारे वीडियो में यूँ ही बने रहना, वो लाइक शेयर सब्सक्राइब। गुड इवनिंग, कम सो जैसे रहना है मेरी आवाज़ थी, तो हमने तड़िंग तड़िंग हो रहा है रसोई घर में, तो कैसे हो रहा है, वो सारा सामान सब गिर गया है यहाँ पे भूत आया है, है? कौन से उंदेड़ो छे, उंदेड़ो ससुंदर मतलब के चूहा है ना यहाँ पे, तो बहुत सारा परेशान कर रहा है, वो सारा सामान यहाँ से नीचे गिरा रहा है, तो इसका तो कुछ इलाज करना पड़ेगा, है? आम पता नहीं क्या बात है, इलाज करो हम करते है, वो तो हमारे मम्मी ऐसे ही बोल रहे है, शांति रखा है, बैठे बैठे। यहाँ जो हमारे खेत की टमाटे है, फिर हमारे खेत की भिंडी है, फिर हमारे खेत की डांबा है, हाँ अरे डांबा, ये आपने कभी खाया है डांबा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहना, कि जो अगर खाए हो तो। इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, इसकी मतलब कि यहाँ पे होता है, और इसका जो यहाँ इसका सब्जी बनती है, जो जो इसके मूल होते हैं इसको अच्छी तरह से साफ करके, फिर ये सब ये इसकी जो इसकी इसकी सब्जी बनती है इसकी। और यहाँ पे तो मस्त
मेथी आ गई है, फिर धनिया आ गया है, फिर तांदरे की भाजी आ गई है, तो सब आ गया अभी तो रात को। तो अब देखते हैं कि सब्जी में तो मुझे नहीं लगता है, तो और वैसे भी कुछ बातें, चलो अब देखते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हमारे वीडियो में बने रहना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।